तो हेलो गाइस, नए वीडियो में आपका विनोद 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 विनोद। अरे यार विनोद, हर जगह विनोद, यहाँ भी विनोद। बंद करो यार, मैंने नहीं बनाना, कट करो, बंद करो भाई। जेसीबी की खुदाई और लैंड करा दे मेरे भाई, इंडिया में कुछ भी वायरल हो सकता है और कुछ भी ट्रेंडिंग में आ सकता है। ऐसा ही अजब गजब हर साल ट्रेंडिंग में होता रहता है, और इस बार विनोद पता नहीं कहां से टपका भाई, इसका कोई अता पता नहीं है और एकदम से इतना वायरल हुआ। इसने भाई ना तो फेसबुक को छोड़ा, ना ट्विटर को छोड़ा, ना इंस्टाग्राम, और हद तो तब होगी जब इसने व्हाट्सएप को भी अपने कब्जे में कर लिया। जी हाँ, कहीं तूफान आया हो, आग लगी हो, या फिर खबर सिर्फ कोरोना वायरस की चल रही हो, कमेंट में सिर्फ विनोद ही आएगा। तो आखिर ये विनोद कहां से आया, आज हम जान लेते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो इसका जन्म होता है यूट्यूब के एक चैनल स्ले पॉइंट से। जी हाँ, उस चैनल पर 15 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया गया था। स्ले पॉइंट हमेशा लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहता है और कुछ ऐसे टॉपिक निकाल के आता है जिसमें वो जनता को ट्रोल करता है या फिर कुछ बंदों को ट्रोल करता रहता है। तो ऐसे में 15 जुलाई को एक उनका वीडियो आया था, उस वीडियो में उन्होंने विनोद का जिक्र किया था। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि एक विनोद ठारू नाम का एक आदमी है जो हमेशा कमेंट करता रहता है और कुछ भी वीडियो हो लेकिन वो हमेशा कमेंट में विनोद लिख देता है। बस वहां से वो वीडियो ट्रेंडिंग में आया था, ट्रेंडिंग में करीब 5th और 6th नंबर पर था, और तभी से 15 जुलाई के बाद लोग हर कोई विनोद विनोद करने लग गया। लेकिन अब बात ये आती है कि असली विनोद कौन है। तो उसके बाद भाई इतने हजारों चैनल YouTube पर बन गए कि अब पहचानना भी मुश्किल हो गया कि असली विनोद कौन है। तो आपको पता लग गया होगा कि कहां से विनोद की शुरुआत हुई। यहां पर सारा क्रेडिट स्ले पॉइंट चैनल को जाता है, जिन्होंने अपने वीडियो में 15 जुलाई को वो कमेंट पढ़ा था, और कमेंट इसलिए पढ़ा गया क्योंकि भाई उस कमेंट पर 7 लाइक थे, सिर्फ उसमें विनोद लिखा हुआ था। बस लोगों ने इसके बाद धड़ाधड़ भाई विनोद, हर कोई चाहे कोई भी वीडियो आ जाए, लाइव स्ट्रीम चल रही हो या फिर कोई सेलिब्रिटी लाइव आया हो, हमेशा विनोद विनोद विनोद। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि विनोद आखिर क्या है। तो अगर दूसरों को भी समझ नहीं आ रहा है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दे ताकि सभी को पता चल सके। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक सलाम के साथ जा रहा हूं आपको छोड़कर। भाई एक बात याद रखना, कमेंट में विनोद विनोद नहीं आना चाहिए, प्लीज भाई बख्श देना, विनोद अब नहीं आना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टेक के साथ। जय हिंद जय भारत।